क्या दोस्तों आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हो। जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है, जो भी दुखद भावनाएं आपके अंदर आती है जिससे कि आपकी खुशी छिन जाती है, लेकिन मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिससे कि आप हमेशा अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। पहली बात है, हमेशा खुद से उम्मीद रखें। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुद से उम्मीद रखेंगे तो कभी नाखुश नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी इंसान नाखुश होता है या कोई भी रीजन होता है उसका दुखी होने का, कहीं ना कहीं उसका रीजन होता है कि वह दूसरों चीजों से उम्मीद रखता है, वह खुद से कभी कोई चीज एक्सेप्टेशन नहीं करता। अगर आप खुद से उम्मीद रखोगे, खुद से एक्सेप्टेशन रखोगे तो आपको खुद पे बिलीव रहेगा कि आप वो चीज कर सकते हो, आप वो चीज अचीव कर सकते हो, जिससे कि आपको ये बिलीव रहेगा कि वो चीज पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सारा चीज आप पे डिपेंड रहेगा, जिससे कि आप हमेशा खुश महसूस करोगे, अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। दूसरी, अपनी तुलना किसी से न करें। दोस्तों जब भी आप अपने जीवन में अपनी तुलना किसी और से करते हैं या किसी की तुलना अपने आप से करते हैं तो आप हमेशा अपने जीवन में नाखुश रहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर आप किसी से तुलना करते देखते कि आप उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो टैलेंट है, मेरे पास क्यों नहीं। जब भी आप किसी इंसान से कंपैरिजन करते हैं, किसी इंसान से तुलना करते हैं तो आप अपने जीवन में खुद को नाखुश मानते हैं, खुद को एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने जीवन में और नाखुश हो जाते हैं। जब इंसान क्योंकि दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है तो अगर कोई इंसान से कंपैरिजन करता है, वो इंसान बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ अचीव कर चुका है, तो वो इंसान उसको देख के नाखुश हो जाता है, वो अपने जीवन में खुश नहीं रह पाता, वो सोचता है उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी से इंसान से खुद का कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि एवरीवन इज अ यूनिक, हर इंसान दुनिया में यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर किसी न किसी का तरह का टैलेंट होता है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर के टैलेंट को जानो और उस पर मेहनत करो, आप जितना मेहनत करोगे अपने टैलेंट पे आप उतने ज्यादा कामयाब होगे। इसलिए अपने जीवन में अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन में किसी भी इंसान के साथ कंपेरिजन नहीं करो, कि यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, आप खुद में एक बेस्ट इंसान। अपने जीवन में कभी भी किसी इंसान से अपनी एक्सपेक्टेशंस ना करें, किसी इंसान से कंपेरिजन ना करें, उससे आप हमेशा खुश रहोगे। तीसरी, अपने कामों से प्यार करें। दोस्तों जब भी आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ अपने फील्ड में अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम से आप प्यार करो। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है अगर आप अपने जीवन में बिजी रहोगे और बिजी रहने में अगर आप वो काम कर रहे हो जो काम में आपको इंटरेस्ट है, अपने काम में से अगर आप मोहब्बत करोगे तो आप अपने जीवन में आपको दुखी होने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको जीवन में दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कभी दुख नहीं होगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ भी करो, चाहे जो भी कर रहे हो अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, अपने जो भी काम कर रहे हो उस काम से आप मोहब्बत करो। क्योंकि अगर आप जो भी काम में इंटरेस्ट जताते हो, जो भी काम आप करते हो उसमें अगर आपको मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी अपने कामों से, अगर कामों में आप प्यार करोगे अपने कामों से तो आप कभी भी अपने जीवन में नाखुश नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आप अपने कामों से प्यार हमेशा करते रहोगे तो आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे और उस काम में आप और आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि आप अगर अपने जीवन में उसी काम में आगे बढ़ते हो जिसमें कि आप अपने प्यार जताते हो, अपनी मोहब्बत जताते हो, उसमें अपना ज्यादा समय बिताते हो और उसी फील्ड में आप कामयाब होते हो, और अपने जीवन में जैसे जैसे फील्ड में अपने कामों से प्यार करके मोहब्बत करोगे, अपने कामों से आगे बढ़ोगे, उसी तरीके से अपने जीवन में आप एक पॉजिटिविटी फील करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे और अपने जीवन में उसी फील्ड में आप आगे बढ़ते चलोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, मेहनत करते चले जाओगे और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगे। इसलिए अपने जीवन में अपने कामों से हमेशा मोहब्बत करते रहो। ठीक, हमेशा खुद पे विश्वास करो कि आप कर सकते हो। आप अपने जीवन में जो भी चीज करना चाहते हो, जो भी चीज अचीव करना चाहते हो, अपने जिस भी फील्ड में आप एक इंटरेस्ट क्रिएट करके अपनी मेहनत कर रहे हो उस फील्ड में आप विश्वास करो कि यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। इसलिए अपने जीवन में जो भी काम करते हो उस फील्ड में अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिजी रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा के रखो कि आपको विश्वास है कि यस मैं कर सकता हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान करे या ना करे लेकिन मुझे ये काम है मैं कर सकता हूँ। जैसे ही आप अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिलीव में और क्रिएट करोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओगे, खुद को में विश्वास रखोगे कि यस मैं कर सकता हूँ, उसमें आप अपने जीवन में मोटिवेटेड फील करोगे और जैसे ही मोटिवेटेड फील करोगे उस काम में आप अच्छी रुचि दिखाओगे और सक्सेस होगे तो उस फील्ड में आप हमेशा खुश रहोगे। इसलिए अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने जीवन में तभी अपने जीवन में खुश रहते हो जब आप खुद पे विश्वास रखते हो। इंसान वही इंसान अपने जीवन में इतिहास रचता है जिसको कि खुद पर विश्वास होता है। कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है,
मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनको अपने हौसलों पे विश्वास होता है। इसलिए अपने जीवन में हौसलों से ज्यादा हौसलों पे भी विश्वास रखिए। हौसले पे विश्वास भी तभी आती है जब आप खुद पे विश्वास रखते हो। इसलिए दुनिया में किसी चीज पे विश्वास होना हो, लेकिन अपने आप पे विश्वास जरूर रखिएगा कि आप वो काम कर सकते हो। अगर आप अपने जीवन में खुद पे विश्वास करोगे तो दुनिया का कोई भी चीज आपको निगेटिव नहीं कर सकती। चाहे कोई भी इंसान आपको चाहे कुछ भी बोल के चला जाए कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। और आपको अगर खुद पे विश्वास रहा यस मैं कर सकता हूँ, तो आपको पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप नहीं कर सकते। और जिससे कि अगर आप अपने जीवन में विश्वास रखते तो आप कभी नाखुश नहीं होगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुद पे विश्वास रखो कि यस मैं कर सकता हूँ, देन आपको कोई इंसान दुखी नहीं कर सकता और हमेशा अपने जीवन में खुश रह सकते हो। पांचवी दोस्तों, अपनी किस्मत से ज्यादा अपने मेहनत पे विश्वास करो। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज किस्मत के भरोसे छोड़ देते हो, अगर आप सोचते हो कि ये डेस्टिनी में जो लिखा होगा मुझे वही अचीव होगा, तो आप अपने जीवन में एक एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में छोड़ देते हो कि यह होगा या नहीं होगा। उसके में आप चिंतित रहते हो, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो उस चीज को लेके, और हमेशा उस चीज को सोचते सोचते आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा खुश कभी नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा मेहनत पे विश्वास रखो किस्मत से ज्यादा। अगर आप मेहनत पे विश्वास रखोगे, जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आप खुद में मोटिवेटेड फील करोगे, और मोटिवेटेड फील करोगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस लिखित है कि आपको मिलती है। और किस्मत भी साथ उसी की देती है जो मेहनत के भरोसे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास रखो। जब तक आप मेहनत करोगे आप मोटिवेटेड फील करोगे, और मोटिवेटेड फील करोगे तो आपको सक्सेस इजीली मिल सकती है। और अगर आप डेस्टिनी पे छोड़ दोगे, किस्मत के भरोसे रहोगे, तो आप हमेशा दुख रहोगे कि होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहनत के भरोसे रहोगे तो आप सेल्फ बिलीव क्रिएट होगी, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और खुद के मेहनत के भरोसे रहोगे तो आप वो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यस मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। और कहा जाता है किस हर इंसान को वही चीज़ अचीव होती है जो मेहनत के भरोसे उसे मिलती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास रखो, किस्मत से ज्यादा आप हमेशा जरूर खुश रहोगे। इसलिए अपने जीवन में किस्मत के भरोसे कुछ भी मत छोड़ो, अपने जीवन में हमेशा मेहनत करो, आप जरूर उस फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। और सक्सेस होने के बाद आप उस फील्ड में अगर मेहनत पे विश्वास रखते हो, कोई भी काम कर रहे हो, सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन आप हमेशा जरूर खुश रहोगे। दोस्तों मैंने ये पांच बातें आपको जो बताई, अगर आप इन पांच बातों को फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह आपके जीवन में हमेशा हैप्पीनेस रखेगी, या आपको यह पांच बातें हमेशा आपको जीवन में खुश रखेगी अगर आप इन पांच बातों का ध्यान रखें तो। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में इस वीडियो से क्या सीखे, इस वीडियो को मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और यह वीडियो बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में नाखुश रहते हैं, उन्हें भी एक सक्सेस का हैप्पीनेस का रीजन मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल थॉट्स समय समय पर आपको मिलती रहेगी।